हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मेरा नाम है विवेक, अगर आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट्स। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो था कि डीएड दिल्ली डीएड और डीएलएड के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और इसी के बीच जो स्टूडेंट है वो एक डिटेल्ड वीडियो मांग रहे थे कि सर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप तो कह रहे हो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। तो देखिए, हमारे पास पूरी डिटेल नहीं आई थी, तो फाइनली ये डिटेल हमें शाम तक मिल गई थी। तो आज ये वीडियो आ रही है जिसमें हम आपको कम्प्लीट ही बता देंगे कि आपका जो डीएड एडमिशन 2022 है, डीएलएड एडमिशन 2022 है, या डीपीएस जो एडमिशन 2022 है, वो आपके किस बेस पे होगा, क्या मेरिट बेस होगा या एंट्रेंस बेस होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ, आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियो दोबारा लेके आ रहा हूँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे इस वीडियो को दोबारा लाने की, ठीक है। तो देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, वरुण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, इनका ऑफिस का एड्रेस है, SCERT वालों का, ठीक है, SCERT। अब है ये प्रवेश सूचना है DLED एवं DPS ई प्रवेश सूचना 2022, जिसमें लिखा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद द्वारा संचालित सह शिक्षा महिला पुरुष दोनों डाइट डीएड डाइट ठीक है डाइट एवं संबंध स्वयं वित्त पोषित गैर सरकारी संस्थानों में DLED एवं डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSE केवल महिला के लिए, DPSE सिर्फ महिलाओं के लिए है, और जो डाइट है ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है, ठीक है। ड्यू वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2022 के विस्तृत विवरण हेतु दिनांक 14 से वेबसाइट पर देखें, ठीक है। मतलब ये नोटिफिकेशन कल आ गया था, और जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी 15 यानी आज से शुरू होगी, और लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो 24 जुलाई रहने वाली है, मतलब कि 10 दिन आपके रजिस्ट्रेशन एडमिशन इसमें चलेंगे। इस वर्ष DLED एवं DPSE में कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा CBT के द्वारा प्राप्त मेरिट पर किया जाएगा। देखिए, इसी में कंफ्यूज हो गया था मैं, एक्चुअली इसमें मेरिट लिखा हुआ था, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें बताया गया कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, बट जब ये नोटिफिकेशन हमने देखा तो इसमें साफ साफ बता रखा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जैसे SSC वालों का होता है वो टेस्ट होगा आपका। देन जब उस टेस्ट को आप क्वालिफाई करोगे, उस टेस्ट में आपकी जो मार्किंग आएगी उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, यानी 12th में आपके सिर्फ 50% नंबर होना अनिवार्य है अगर आप इस टेस्ट में बैठना चाहते हो। तो मतलब इस बार जो भी एडमिशन होंगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड होंगे, बट UP के अंदर जो डाइट है उसके अंदर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराए गए, मेरिट बेस उसमें एडमिशन मिल रहा है, पर दिल्ली का अंदर जो DLED और डिप्लोमा ये डाइट है इनके लिए आपको एडमिशन एंट्रेंस बेस ही कराया जाएगा। तो ये इंग्लिश में हो गया, देख लीजिए, ये इंग्लिश में बता रखा है, जिनको इंग्लिश बातें पढ़ लेना उनसे बता दिया मैंने। अब सबसे बड़ी चीज़, आज से आप अप्लाई कर सकते हो, 250 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। 12th के आप पास आउट होने चाहिए 50% नंबर से, और लिंक ये है क्लिक हियर टू अप्लाई। वैसे मैं नोटिफिकेशन ये शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वरना लिंक जो है एडमिशन का, जो लिंक है जहाँ पे आपको एडमिशन कराना है DLED के ना, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इस बार जो आपका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बेस पर होगा, उसके द्वारा आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो कुल मिला के झटका है, और बेनिफिट भी है उन स्टूडेंट के लिए जिनके 12th में नंबर कम रहते हैं, तब भी वो उन एक तरीके से प्रयास कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि हाँ हमारा इसके अंदर हो जाए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस इसमें कॉमन होता है, सिलेबस मतलब इसमें आपका हिंदी रहती है, एजुकेशन का एक सब्जेक्ट रहता है, प्लस EBS रहती है, रीजनिंग रहती है, मैथ रहती है। तो एक काम करना आप, एक दिल्ली DET DLED करके किताब आती है, 200-250 रुपये की आती है, SCERT बेस होती है, वो आप किसी भी मार्केट से ख़रीद लेना, उसमें से आप प्रैक्टिस कर लेना, उसमें पिछले 5 साल के पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन आप देख लेना, तो आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन जो कि कल जारी किया गया है, हमें रात तक मिला इसे। बाकी DPSE और DLED की जो एडमिशन है डाइट के, वो देखिए DLED को ही डाइट बोलते हैं, कई स्टूडेंट को नहीं पता, डाइट ही DLED है, DLED ही डाइट है। ये DPSE सिर्फ महिलाओं के लिए ही, ये अलग कोर्स है, है ये भी आपका 2 साल का प्राइमरी कोर्स टीचिंग वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच।